पिछले लेक्चर में हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझा था और हमने ये भी देखा था कि कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो आज हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, इसीलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचती है, जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है, और जिन इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, जिससे वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अलग अलग मेथड से फंड रेज कर सकती है, जैसे कि पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एट्सेट्रा। तो पहले बात करते हैं पब्लिक इशू यानी कि आईपीओ की। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इस लेक्चर में हमने आईपीओ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आईपीओ को पूरी तरह डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वही प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक के बजाय कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स बेचती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटल, बैंक्स एट्सेट्रा। अब राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचकर फंड उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABC कंपनी 1:2 राइट इशू ला रही है तो इसका मतलब है कि दो शेयर्स के पीछे ABC के शेयर होल्डर्स एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशू में इशू होने वाले शेयर्स की प्राइस यूजुअली उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं, वे उन्हें बेच नहीं सकते। अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर सेल करने हैं तो आपको उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल करना होगा। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचती है और आईपीओ प्रोसेस पूरी होने के बाद यानी इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स अलॉट होने के बाद वो स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है जहां आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स बेच सकते हो। जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये पता नहीं है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जो बायर्स यानी शेयर्स खरीदने वालों को और सेलर्स यानी शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है, और जहां बायर्स और सेलर्स के बीच शेयर्स का लेन देन होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तब हमारे सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है जो कि सेकेंडरी मार्केट है। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ NSE पर शेयर्स बाय या सेल करते हैं तब हम एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसे दोनों भी इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें कंपनी शामिल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ICICI बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से ICICI बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो, और आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे शेयर सेल करने वाले इन्वेस्टर को मिलते हैं। उस ट्रांजेक्शन में ICICI बैंक शामिल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही इशू किए हुए शेयर्स ट्रेड होते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस है। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में पहले ही इशू हुए शेयर्स और बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस में कंपनी शामिल नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, और जब हम सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर की प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, वही सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होती है। सप्लाई एंड डिमांड से शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है और वो क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, इसे भी हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहेंगे और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस नहीं होगी। आप हमें अपने सवाल 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।
स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट finovations.com विजिट कर सकते हो।